अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ KFC चिकन जो हैदराबादी फंक्शन में बनाया जाता है। इसके लिए मैं ली हूँ 300 ग्राम चिकन और इसके चकले पीसेस करा ली, पतले और चकले पीसेस, और 2 से 2.5 इंच के साइज़ के ही है। इसको पतले और चकले पीसेस करा लेके वॉश करके रख ली मैं, और इसके लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है नमक, कॉर्नफ्लोर, रेड ग्रीन चिली सॉस, अदरक लहसुन, कॉर्नफ्लेक्स को मोटा मोटा पीस ली मैं, और हरी मिर्ची, 12 हरी मिर्चियाँ हैं और फ्राई करे हुए। इसको छोटे पीसेस करके ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है। मैं आपको बताने के लिए इसके पीसेस नहीं करी लेकिन फ्राई करके रख ली। चलिए इसके लिए हमें ये मसालों की ज़रूरत है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, सौंठ का पाउडर, चाट मसाला, और ये 2 पिंचेस खाने का सोडा है, और एक अंडा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैं डाल रही हूँ 1.5 नमक और खाने का सोडा 2 पिंचेस। ये दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक और खाने के सोडे को अच्छे से मिला के एक 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसको कवर करके छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद अगला प्रोसीजर, अगले मसाले लगाएंगे। 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। ये इसलिए लगा रही हूँ मैं कि टेस्टिंग पाउडर लगाते हैं अक्सर फंक्शंस में, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं खाने का सोडा लगाई। और चिकन अंदर तक अच्छा गल जाता, कच्चापन नहीं रहता इसमें, सॉफ्ट हो जाता अंदर। और KFC चिकन ऊपर से क्रिस्पी रहता, अंदर जूसी और सॉफ्ट रहता। इसके लिए मैं लगा के रख लूँ। 15 मिनट के लिए इसको ढाप के रख देंगे। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन मैरिनेट हो गया। अब इसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1.5 टीस्पून, और सौंठ पाउडर है 1 टीस्पून, और चिकन मसाला है 1 टीस्पून। और ये धनिया, ज़ीरा, ये रोस्ट करे हुआ है, रोस्ट करके पाउडर बना के रख ली मैं। ये सारे मसाले चिकन में डालेंगे। जो मैं हरी मिर्ची बताई थी उसका पेस्ट बना के रख ली मैंने। और 2 टीस्पून अदरक लहसुन, टेबल स्पून से नहीं। और 2 टीस्पूनफुल कॉर्नफ्लोर, और एक साबित अंडा। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ग्रीन चिली सॉस, ये 1 टीस्पूनफुल है ग्रीन चिली सॉस। मसालों को चिकन में अच्छा लगा ली मैं, मिला ली मैं, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। चलिए चिकन को मैं अच्छे से मसालों में मिला ली। अब इसको इसमें लगा के कॉर्नफ्लेक्स जो मोटा मोटा पाउडर बना के रख लिए, इसमें लगा के फ्राई करेंगे। एक साथ लगा के रख लेंगे। एक साइड अच्छा लगने के बाद पलटा के फिर दूसरी साइड पे इसको लगा लेंगे। एक साथ 4-5 पीसेस लगा के रख के एक साथ फ्राई करेंगे।
ये आप कुछ भी घर में अच्छा ओकेशन रहता, बर्थडे पार्टी या कोई मेहमान आने वाले हैं या कुछ भी मौक़ों के हिसाब से आप स्टार्टर में ये बना सकते। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसका टाइम मैरिनेट में लगता। मैं फ्राई तो जल्दी भाती है। हम अक्सर बिरयानी तो बनाते अच्छे मौक़ों पर, बर्थडेज के मौके पे, कुछ अच्छे ओकेशंस पर बनाते रहते हैं। उसके साथ थोड़ा सा बिरयानी के चिकन में से थोड़ा सॉलिड पीसेस थोड़े निकाल के बना सकते हैं। देखिए इसको अच्छा मन लगा लिए। अब ये बैच को फ्राई करके दूसरा बैच इसमें लगाएंगे, एक साथ लगा के रख लेके फ्राई करना। चलिए मैं कढ़ाई रख दी, इसमें ऑयल डीप फ्राई के लिए ऑयल डाल लिया। ऑयल गर्म हो गया और धीमे पे कर दी मैं, ऑयल अच्छा गर्म हो गया धीमे पे कर दी। एक सेट अच्छी फ्राई होने के बाद पलटाएंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ इसके मैरिनेट के लिए आधा घंटा हो, ये 5 मिनट में फ्राई हो जाते। ऑयल अच्छा गर्म होने के अब ठंडा, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा तो तेज़ कर लेना, ज़्यादा गर्म हो तो धीमा कर लेना। चलिए फ्राई हो गया। चलिए हमारा चिकन KFC चिकन फ्राई हो गया। अब इसको डिश में निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरे बैच को इसी तरह से डालेंगे और कॉर्नफ्लेक्स को मैं मोटा मोटा पाउडर बना लूँगी। और तेल को, ये फ्लेम को तेज कर दी मैं, ज़्यादा गर्म होने पर फिर धीमा कर लेंगे। ये मीडियम पे रख के फ्राई कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा अभी ओवर कुक भी नहीं होना और ठंडा भी नहीं। एक मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक साइड होने के बाद पलटाएंगे। चलिए एक वन साइड हो गई इसकी, इसको पलटा लेंगे। ये फ्राई होने 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाती है। कुछ भी ख़ास ओकेशन पे आप ज़रूर बनाएं, या कुछ भी मुश्किल नहीं और बहुत इजी है, स्टार्टर में रख सकते हैं आप। चलिए तैयार हो गया। एक साइड अच्छा लगने का पलटा के लगा लेंगे इसको, कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर को अच्छे से, अच्छे से डिप कर लेंगे इसमें। चलिए इसको ऑयल अच्छा गर्म होने पर धीमा कर देना। थोड़ा ऑयल ज़रा ठंडा और होने लगा तो फिर तेज़ कर देना। चलिए हमारा KFC चिकन तैयार हो गया। और देखिए आपको मैं बताती हूँ, पूरे पीसेस क्रिस्पी हुए, देखिए ऊपर से पूरे क्रिस्पी और अंदर से जूसी, देखिए ये देखिए बहुत सॉफ्ट हुए, अंदर से सॉफ्ट होके पूरा गल गया अच्छा से, अच्छे से, और ऊपर क्रिस्पी हुए। आप ज़रूर बनाइए,
बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बना और बहुत अच्छा जल्दी बन गया। चलिए मेरे KFC चिकन की रेसिपी, हैदराबादी फंक्शन वाले KFC चिकन की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। शुक्रिया।